महात्मा बुद्ध यानी गौतम बुद्ध की शिक्षाएं सादी तथा व्यवहारिक जीवन से संबंध रखने वाली थी। गृह त्याग करते समय सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध की आयु मात्र 29 वर्ष की थी। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। उनके पिता का नाम शुद्धोदन था जो कि एक क्षत्रिय राजा थे और उनकी माता का नाम महामाया यानी माया देवी था। वर्षों की कठोर तपस्या के बाद बोधगया में बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे सिद्धार्थ गौतम से गौतम बुद्ध बन गए। सिद्धार्थ ने गुरु विश्वामित्र के पास वेद और उपनिषद को तो पढ़ा ही और उसके साथ साथ राजकाज और युद्ध विद्या की शिक्षा भी ली। गौतम से कुश्ती, घुड़दौड़, तीर कमान, रथ हाँकने में कोई उनकी बराबरी नहीं कर सकता था। दूसरा, उनके द्वारा दिए गए अनमोल विचार समाज को सदैव उच्च रास्ता दिखाने में मदद करते हैं। तो आइए भगवान गौतम बुद्ध के अनमोल विचार सुनते हैं। क्रोध को प्यार से, बुराई को अच्छाई से, स्वार्थी को उदारता से और झूठे व्यक्ति को सच्चाई से जीता जा सकता है। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, पर मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना ये कर्मों की बात है। चंद्रमा के जैसे बादलों के पीछे से निकलो और फिर चमक जाओ। शक की आदत सबसे खतरनाक है, शक लोगों को अलग कर देता है। यह दो अच्छे दोस्तों को और किसी भी अच्छे रिश्ते को बर्बाद कर देता है। पूरी दुनिया में अंधेरा चाहे जितना ताकत लगा ले, लेकिन एक मोमबत्ती की रोशनी तक को मिटा नहीं सकता। तीन चीजें लंबे समय तक छिप नहीं सकती, सूर्य, चंद्रमा और सत्य। ताकत की जरूरत तभी होती है जब कुछ बुरा करना हो, वरना दुनिया में सब कुछ पाने के लिए प्रेम ही काफी है। ज्ञान ध्यान से पैदा होता है और ध्यान के बिना ज्ञान खो जाता है। जीवन में हजारों लड़ाइयाँ जीतने से अच्छा है कि तुम स्वयं पर विजय प्राप्त कर ले, फिर जीत हमेशा तुम्हारी होगी, इसे तुमसे कोई छीन नहीं सकता। मंजिल या लक्ष्य तक पहुँचने से ज़्यादा महत्वपूर्ण यात्रा अच्छे से करना होता है। एक पल एक दिन को बदल सकता है, एक दिन एक जीवन को बदल सकता है और एक जीवन इस दुनिया को बदल सकता है। आप केवल वही खोते हैं जिससे आप चिपक जाते हैं। जो व्यक्ति स्वयं से प्रेम करता है वो किसी और को दुखी नहीं देख सकता और ना ही किसी को दुखी कर सकता है। हम अपने विचारों से आकार लेते हैं, जैसा हम सोचते हैं वैसे हो जाते हैं। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है, वफादारी सबसे बड़ा संबंध है। जो व्यक्ति थोड़े में ही खुश रहता है सबसे अधिक खुशी उसी के पास होती है। जीवन उसका ही सुधरेगा जो आंख बंद होने से पहले आंख खोल लेगा। जहां सच को सामने लाने के लिए कष्ट उठाया जाता है वहां आखिरकार सच की ही जीत होती है। चिंता करोगे तो भटक जाओगे, चिंतन करोगे तो भटके हुए मन को भी रास्ता दिखाओगे। अपने जीवन के सबसे सुखद क्षणों में एक है जब आप यह स्वीकार करने का साहस पाते हैं कि आप क्या नहीं बदल सकते। कोई मेरा बुरा करे वह कर्म उसका, मैं किसी का बुरा ना करूं यह धर्म मेरा। अच्छे कर्म करके उसे भूल जाना एक महान व्यक्ति की पहचान है। ज्ञानी व्यक्ति की कभी भी मृत्यु नहीं होती है, वे अपने ज्ञान का प्रकाश हमेशा बिखेरते रहते हैं, जबकि मूर्ख और अज्ञानी व्यक्ति पहले से ही अपने विचारों से मरे होते हैं। कोई भी पुरुष अपने कर्मों से महान बनता है, अपने जन्म से नहीं। जीवन में आपका उद्देश्य अपना उद्देश्य पता करना है और उसमें पूरे दिल आत्मा से जुट जाना है।
अपने जीवन में इतने खुश रहो कि अगर कोई दूसरा आपको देखे तो वो भी खुश हो जाए। बुद्धिमानी से जीने वाले को मौत से डर नहीं लगता है। क्रोध में हजारों शब्दों को गलत बोलने से अच्छा मौन वह एक शब्द है जो जीवन में शांति लाता है। जब तक आपके मन में नाराजगी है तब तक आप अपने क्रोध को नहीं मिटा सकते। जैसे मोमबत्ती बिना आग के नहीं जल सकती, मनुष्य भी आध्यात्मिक जीवन के बिना नहीं जी सकता। जुनून जैसी कोई आग नहीं है, नफरत जैसा कोई दरिंदा नहीं है, मूर्खता जैसी कोई चाल नहीं है, लालच जैसी कोई थार नहीं है। हर अनुभव कुछ ना कुछ सिखाता है, इसलिए हर अनुभव महत्वपूर्ण है। हम अपनी गलतियों से ही सीखते हैं। जो पुरुष लगातार शिकायत करते रहते हैं वह कभी खुश नहीं रह सकते। दूसरों के लिए जीने वाला व्यक्ति कभी भी निराश और परेशान नहीं होता है। जब शब्द सच्चे और दयालु होते हैं तो वह हमारे जीवन को बदल सकते हैं। गुस्से को अपने भीतर रखना ऐसा ही है जैसे आप जहर तो खुद पिए और किसी दूसरे आदमी के मरने की उम्मीद करें। हमें अपने द्वारा की गई गलतियों की सजा तुरंत भले ना मिले, पर समय के साथ कभी ना कभी अवश्य मिलती है। भविष्य के सपनों में मत खो और भूतकाल में मत उलझो, सिर्फ वर्तमान पर ध्यान दो। जीवन में खुश रहने का यही एक सही रास्ता है। मैं कभी नहीं देखता कि क्या किया जा चुका है, मैं हमेशा देखता हूं कि क्या किया जाना बाकी है। झूठे व्यक्ति की ऊंची आवाज सच्चे व्यक्ति को चुप करवा देती है, लेकिन सच्चे व्यक्ति का मौन झूठे व्यक्ति की जड़ें हिला देती है। जैसे ठोस चट्टान हवा से नहीं हिलती, उसी प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति प्रशंसा या आरोपों से विचलित नहीं होता। दूसरों पर निर्भर रहने के बजाय अपना काम खुद से करना चाहिए। आप तभी खुश रह सकते हैं जब बीत गई बातों को भुला देते हैं। ये कभी मत सोचो कि ये क्या हो गया है, बल्कि ये हमेशा करने की सोचो कि हमें आगे क्या करना है। यदि हम अपनी समस्या का हल निकाल सकते हैं तो फिर चिंता करने की क्या जरूरत, और यदि समस्या का कोई हल ही नहीं तो फिर उसका चिंता करने से कोई फायदा ही नहीं है। हमें कोई हरा नहीं सकता जब तक हम स्वयं हार ना मान लें। बाकी यहां तक पहुंच गए हो तो इसका मतलब वीडियो आपको बहुत पसंद आया है, तो अंगूठे वाला बटन दबा के लाइक जरूर करें। बाकी इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, और अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर। और ऐसे ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और भगवान बुद्ध के विचारों को अपनी ऊर्जा में रोज़ शामिल करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। गॉड ब्लेस यू।